अस्सलाम वालेकुम, मैं जैद इलेक्ट्रिक से। आज हम आपको बताएंगे 8x2 की शीट बनाने का तरीका। आपने इसी तरह ये दो बोर्ड बनाए हैं, 8x2 की शीट, इसमें दो लीवर और एक साकट। ये हमने स्कूल के कमरे को लिए बनाई है, तो इसके कनेक्शन जो है इसके बैक साइड में हमने किए हुए हैं UPS कनेक्शन और मेन कनेक्शन। एक साकट जो हमने UPS पे किया है और दो लीवर हमने एक वापरे पे और एक UPS पे किया है। इसका बनाने का तरीका, क्योंकि जब हम नया बोर्ड लेते हैं इसमें लीवर वगैरह नहीं लगे होते, ये बिल्कुल सादा होता है। 8x2 की शीट में के दो साकटे और 8 बटन होते हैं इसमें। इसके बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके कवर होता है, ऊपर साइड से लाद होता है, इस साइड से खुल गया, दूसरी साइड से इसको इस साइड करना पड़ेगा। आगे हमने अपने जो हमारा डोर होता है दरवाज़ा, उसके साथ लगाना है। हमने इसके साकट का ख्याल रखना है, अगर डोर के साथ नहीं आए फिर, इसलिए हमने ये साकट एक साइड पर यूज़ करनी है। सबसे पहले हम इसकी साकट निकालते हैं। साकट निकालने का तरीका, इधर साइड पे लॉक होता है, इधर हमने टेस्ट दे दिया और इधर से हमें दबाना है। ये देखिए एक साकट निकल गई टेस्ट पे, ये देखिए ये अब साकट निकल गई है। इसी तरह हमने इसकी अब हम कैलकुलेशन करनी है लीवरों की, तो हम इसके साथ ये दो बटन भी निकाल लेते हैं। ये दो बटन हमने निकाल दिए हैं, एक बटन हमने साकट वाली जगह पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो बल्ब के पॉइंट हैं वो ज़्यादा हैं तो उससे कम है, इसलिए हम ये लगा लेते हैं। ये देखिए ये लाइन सीधी हो गई। ये देखिए अब ये दो डिबर रह गए, डिबर हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी वायरिंग लगा लेते हैं। सबसे हमें पहले एक पंखा करना है, एक लाइट और एक ये साकट करना है। सबसे पहले हम इसके पेज खोल लेते हैं इस तरह। तो जो मेन है वो सबसे ऊपर ही आती है, नीचे हमारा इसका जो पॉइंट है ना बटनों का LED का वो आएगा। इस तरह का फोल्ड कर लेनी ताकि स्पार्क ना हो। इस साइड पे आ गई, आगे दूसरी तार हमें लगानी है। एक प्लास आ गया, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये एक ही कनेक्शन बन गया। ये देखें अच्छी तरह प्रेस हो गया है, इसमें तार ज़्यादा नहीं रखने फालतू, क्योंकि ये शीट का डुबे जो होते हैं वो बहुत ही कम जगह में होता है, इसलिए तारें फजूल इसमें नहीं लगाने ज़्यादा। ये देखें एक बटन ये हो गया, एक ये, एक ये,
इसी तरह ये हमारा पंखे का हो जाएगा, ये लाइट और ये हमारे साकट का हो जाएगा। अब जब हमने यूपीएस की सेटिंग कर दी है, अब हम वापडा की सेटिंग करेंगे। इसके वापडा के लिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट बचे हैं। 4 पॉइंट के लिए हमने ये ऊपर इसका जो है मेन कनेक्शन खोल देना है। वायर डालने के लिए हम साकट एक दफा निकाल देंगे इसके अंदर से। तो वापस के लिए भी हम यही वायर यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरी कलर की वायर नहीं है। कटर की मदद से फालतू तार काट देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे ताकि स्पार्क नहीं आए। वापडा का कनेक्शन भी तैयार हो गया है। अब हम साकट लगाएंगे इसके साथ, इस साइड पर रखेंगे इस तरह। ये देखें, ये देखें बिल्कुल प्रेस हो गया है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे यूपीएस पे, क्योंकि ये वायर हमारी यूपीएस की थी। इसके साथ अभी ये साकड़ कनेक्शन हो गया, इधर न्यूट्रल आ जाएगी इस पार्ट में। इसके बाद हमारे पास बचे आरवी डीमर। हमारे पास पहला डीमर आ गया, हमारा पहला डीमर इधर ट्रेड हो गया, ये देखें। अभी दूसरा डीमर है, ये इधर ट्रेड हो गया। अब पहला पंखा इससे चलेगा यूपीएस पे, ये वापडा हो गया, ये भी वापडा हो गया, ये यूपीएस साकड़ हो गया। इसका जो कनेक्शन है ये एक एक तार ऊपर से लग जाएगी और एक एक इधर इस बटन में लग जाएगी, जिस तरह हमने ये इधर लगाया है इस साकड़ में, ये देखें। तो इसी तरह हम इसे लगाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो शेयर करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।